देखो कैसे भाग के आ रहा है। अरे भाई ये देखो भाई, पापा जी इधर बैठ गए, मम्मी इधर बैठ गए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भी गाइस सुबह सुबह मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, बिकॉज आज जा रहा हूँ 5 दिनों के बाद फाइनली घर और अपने न्यू येलो सुपर कार को लेके। तो पूरी फैमिली का रिएक्शन देखेंगे, पूरी फैमिली को दिखाएंगे। तो अभी नीचे आ गया हूँ, ये खड़ी अपनी येलो सुपर कार। तो पहले हमको ये गाड़ी निकलवानी पड़ेगी, तब ये निकलेगी। पहले ये वाली गाड़ी हटानी पड़ेगी, फिर ये गाड़ी हटानी पड़ेगी, तब अपनी निकलेगी। दिल्ली में पार्किंग थोड़ा यही सीन है। इसको निकालने से पहले कॉल स्टार्ट करनी पड़ेगी। कॉल स्टार्ट हो गई, अब निकालते हैं। चलो भाई, अब चलते हैं सीधा यहाँ से हल्द्वानी। चलो ठीक है भाई, आराम से जाना, धीरे धीरे। हुड बंद कर लेता हूँ जाने से पहले। अब निकल गया हूँ और इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, फाइनली हल्द्वानी लेके जा रहा हूँ। ये लोगो देख के जो फीलिंग आती है ना, वो अलग ही होती है भाई, एकदम मस्त भाई। इस गाड़ी को तो सब देख रहे हैं, सब ब्लैक वाली को इतना देखते थे बिकॉज ब्लैक कलर कॉमन होता है ना, बट येलो दूर से चमक रहा है, तो भाई सब देख रहे हैं, सबकी नजर जा रही है इस पे। मेरे को दिल्ली के ट्रैफिक में चलाने में इतना डर लगता है ना सुपर कार को भाई, सारे से चिपक के चलते है ना कि कोई टच ना कर दे, बहुत डर सा लगता है। बस दिल्ली से बाहर निकल जाए, फिर खुली खुली रोड आएगी, मस्त हाईवे आएगा, वहाँ चलाने में मजा आएगा फुल। और हल्द्वानी भी खुला खुला, तो वहाँ मजा आता है। गाइस मेरे को ना एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, बट मैं चिल्ला नहीं पाता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों, मैं नॉर्मली रहता हूँ, बट अंदर अंदर इतनी मस्त वाली फीलिंग आती है ना। मेरे साथ ना बहुत बड़ी दिक्कत है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता चीजों को, कुछ भी फील करता हूँ ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता मैं, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ अनबिलीवेबल है ना, तो मैं माइंड सुन जाता हूँ एकदम से। गाइस पता है 2016 में दिल्ली की इन्हीं सड़कों पे मैं 5-5 रुपए बचाता था, मतलब आधा किलोमीटर पैदल जाता था मैं 5 रुपए बचाने के लिए, 5 रुपए 10 रुपए बचाता था मैं। और उस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि मैं खुद की गाड़ी भी कभी ले पाऊंगा, और आज देखो भाई इन्हीं सड़कों पे खुद की सुपर कार लेके चल रहा हूँ मैं, मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल है यार। मेरे को तो वही टाइम याद आ रहा है, बस वही टाइम। और यही रीजन है मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं साइलेंट हो जाता हूँ ये सब चीजें मेरे साथ, मैं साइलेंट हो जाता हूँ एकदम। और सबसे बड़ी बात तो ये है, चलो गाड़ी वाड़ी घर वर ये सब मेटलिस्टिक चीजें हैं, ये सब चीजें हमने ले ली है, बट सबसे बड़ी बात ये है भाई, इतने सारे लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, इतना प्यार करते हैं, जो पहले कुछ भी नहीं था भाई, तो इसलिए मैं बस हैंग हो जाता हूँ, साइलेंट हो जाता हूँ। तो सामने हल्द्वानी का पहला बोर्ड। तो मुझे एक बात और बोलनी है, जैसे कि मैंने बोला कि स्टार्टिंग में इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था कि मैं गाड़ी लूंगा, मैं सुपर कार लूंगा, मेरे को ये गाड़ी पसंद है, मैं कोई गाड़ी पसंद भी नहीं थी, मेरे गाड़ी के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, बट अब देखो मैं सुपर कार भी ले रहा हूँ। तो जितने मुझे बच्चे देख रहे हैं ना, ये देख के इन्फ्लुएंस मत होना कि मेरे को भी सुपर कार लेनी है, मेरे को भी ये लेना है, मेरे को भी वो लेना है, ये चीज सोच के कभी भी कुछ काम मत करना। सबसे पहले आपको करना है अपने पेरेंट्स के लिए, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना है कि भाई वो फ्री हो जाएं, वो आप पे प्राउड फील करें, वो खुश रहें, उसके बाद अपने लिए करना, उसके बाद इन चीजों के बारे में सोचना। जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हो, मेरे पेरेंट्स पहले हरियाणा में रहते थे, पापा जी मजदूरी करते थे, बट अब वो चीजें नहीं करते हैं, अब वो हल्द्वानी में हैं, अपना खुश हैं और काफी प्राउड भी फील करते हैं मुझ पर। तो हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ में कि आपके अगर पेरेंट्स जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, भाई मेरे पापा ने तो भाई मेरे को लोगों के घर में काम कर करके मुझे पाला है, जो कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता। तो हाँ, सबसे मेन चीज ये होती है पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, उसके बाद अपने लिए करो, उसके बाद सोसाइटी के लिए करो। वैसे तो आपकी खुशी में आपके पेरेंट्स की खुशी होगी, बट आपको अपने पेरेंट्स की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी है। ज्ञान बहुत हो गया, आप चलते हैं कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है, सुबह 11 बज चुके हैं। गाड़ी पार्क तो नहीं करूंगा भाई, कहीं पे भीड़ लग जाएगी नहीं तो। एक आलू टिक्की बर्गर और एक मसाला चाय। सामने देखो कितने सारे बाइकर्स जा रहे हैं, क्या मस्त लग रहे हैं देखो। तो फाइनली हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, जंगल में एंटर कर लिया है, जंगल क्रॉस करते ही आ जाएगा हल्द्वानी हमारा घर। और अभी पियूष और कुणाली स्कूल से नहीं आए होंगे, रूफ खोल के चला के देखते कैसा लगता है भाई। भाई ऐसी जगह पे चलाने में मजा आता है ऐसी गाड़ी। मम्मी को इसकी एक चीज बहुत पसंद आने वाली है, ये ज्यादा लाउड नहीं है, इसमें वो एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ ना तेज आवाज वाला और पटाखे वाला, इसमें स्टॉक ही है जो कंपनी से आता है ना वही है इसमें, मतलब जो भी सब कुछ है सब कंपनी वाला ही है। पहुंच चुके हैं सोसाइटी के बाहर, चलते हैं अंदर। भाई मेरे को तो धक 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 हो रहा है, पहले माता रानी को दिखा देते हैं, जय माता रानी। चलो भाई गाड़ी को घर के बाहर ले आया हूँ। पापा जी प्रणाम। प्रणाम। नाले लिया? हाँ हाँ, देखो न्यू कलर। अरे वाह, ये बताओ कैसे लग रहा है भाई? गजब है यार, तो सड़ा गए हैं, कैसी लग रही है? कुणाली स्कूल नहीं गए अब क्यों? मम्मी जी प्रणाम। ये कलर बताओ कैसा है? अच्छा, इसमें इसमें आवाज नहीं है मम्मी, वो वाली
हाँ वो एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ इसमें, स्टॉक है जो कंपनी के साथ आता है ना। सबसे सबसे पहले मम्मी को बिठाएंगे, ये देखो भाई पापा जी इधर बैठ गए, मम्मी इधर बैठ गए। ओ अम्मा ये देखो नहीं चलेगी, हो गई स्टार्ट, हो गई हो गई, नहीं चलेगी, नहीं बिना गियर डालने से चलेगी। अरे आ जाओ आ जाओ, चाची बुला रहे आपको। हो गई बस, हो गई स्टार्ट। चलो अब भाई दादाजी, दादाजी आप भी स्टार्ट करना ठीक है। हाँ घुमा दो। ओ हो गई। अभी हम जा रहे हैं एक राइड पे, साहिल कुनाली और मैं, सबने देख लिया, बस पीयूष ने देखी, पीयूष अभी स्कूल गया हुआ है ना, तो स्कूल जाके देखेगा। चलते हैं एक छोटी सी राइड पे चलते हैं। कुनाली कह रहा मजा नहीं आ रहा वो वाला जो पहले आता था ना, क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ था, तेज आवाज थी, पटाखे मारती थी, ये भी तेज भाग रही है, बट इसमें वो आवाज आवाज नहीं आ रही ना, तो पता नहीं चल रहा। तो गाइस फाइनली पीयूष आ चुका है भाई, ये कितना लंबा लग रहा है भाई। कुछ नहीं है, है ही नहीं कुछ, देखो कैसे भाग के आ रहा है। अरे भाई कैसा एग्जॉस्ट है इसका, एग्जॉस्ट वो है, स्टॉक है, स्टॉक में हां है, काली वाली से अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही ना, तभी तो मैं कह रहा था ये गाड़ी ना इन्हीं कलर में अच्छी लगती है। मम्मी और मम्मी चाची और अम्मा जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए, सोसाइटी में हमारे भागवत हो रहा है, जाने से पहले खाना बना दिया मेरे लिए, थैंक यू। सुबह कलर्स पर गए थे हम, तो अभी गई सोसाइटी में भागवत शुरू हो गया है, तो मैं अब ज्यादा ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इसी की आवाज आएगी ना फिर। तो अभी आए हूं हमारे नए घर का काम देखने के लिए, और अभी खड़ा हूं अपने रूम के बाहर, तो अभी चल रहा है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम, दीवारें काट दी पूरी हाथ। ये देखो ये मेरा रूम है, ये बालकनी है मेरी पूरी वहां से लेके यहाँ तक, यहाँ पे कटिंग हो गई, देखो दीवार की कटिंग कर दी ना पूरी, इसके अंदर पाइपें डलेंगी पूरी, इलेक्ट्रिक फिटिंग हो गई पूरी ना, तो यहाँ पे दीवार काट दिया। देखो ये मेरा चेंजिंग रूम है, ये मेरा वॉशरूम है, यहाँ पूरी दीवार वार काट दिया, देखो सारी दीवारें जहाँ जो भी लगेगा ना सब कुछ, वो तो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर को ही पता है। इतने बड़े बड़े छेद कर दिए, इसके अंदर पाइपें आएंगी, बड़ी बड़ी पाइपें आएंगी ना, यहाँ पे पूरा लेंटर ही काट दिया देखो भाई। और ये मेरे रूम का वॉशरूम है, देखो कितना बड़ा वॉशरूम है मेरे रूम का, आ जाओ ऊपर चलेंगे, आ जा जा। ये देखो साहिल को, साहिल मस्त गिटार की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो घर ही जाएगा। कहाँ जा रहे हो, अरे आ जाओ यार। गाइस स्नोई आ गया, देखो स्नोई कितना क्यूट लग रहा है, देखो और ओरियो देख रहा है उसको, ओरियो को स्नोई चाहिए। तो गाइस आज है गणतंत्र दिवस, तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी गणतंत्र दिवस। तो चलो अब छत पे ना यहाँ पर झंडा लगाते हैं, ऑलरेडी दो झंडे लगे हुए हैं, एक और लग जाएगा भाई, अलग ही फीलिंग आती है इसको देख के ना। चलो भाई अब चलते हैं, और थोड़ी देर में हम इसको अंदर खड़ी कर देंगे यहाँ पे। तो गाइस अब ट्राई करते हैं अपनी न्यू सुपर कार को घर के अंदर पार्क करने का, यहाँ पे हमने पूरा खाली कर दिया देखो, तो देखते हैं यहाँ पे आ जाए बस, यहाँ पे सही रहेगा ना। चल 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 बैग सीधा बैग भैया, हाँ चलने दे चलने दे, चलो 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 चलो, बढ़िया बढ़िया, गई गाइस अंदर गई। चल 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 अब मोड़ ले, अब मोड़ ले मोड़ ले, हाँ हाँ ऐसे बस, चल 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 और चल और चल और चल। चलो भाई आ गई, और पीयूष भी आ गया ट्यूशन से अपनी, भाई आ गई यार अंदर, वाह। अब से घर के अंदर ही पार्क होगी, देखो यहाँ थोड़ी सी जगह जाने की, तो हमने गाड़ी को मस्त ढक दिया है, और यहाँ पे देखो भाई पोर्स का लोगो भी बना हुआ है, तो हाँ सही है ना, धूल बैठेगी अगर बारिश हो जाएगी तो भी सही रहेगा, और ये सुबह नहीं कर पाएगा यहाँ पे, ये देखो नाम सुनते ही आ गया, आप तो रुट गए थे मान गए। तो गाइस अब करते हैं डिनर, आलू की सब्जी, रोटी एंड मशरूम की सब्जी। तो खाना पीना हो चुका है फिलहाल, आगे अपने रूम में करता हूँ एडिटिंग, इस व्लॉग करता हूँ एंड, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अरे सुसु मत करियो रे, करेगा वो तो रोज ही, टायर है ना उसको, करेगा वो, और यहाँ पर इस वाले बिटिया।